hi bachawadi do let me know if we are oh, 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 oh. <laughs> yes if we are audible as well as visible check karna ek jalji, 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 jalji. live vibe aagay kya Yar, hum log aagai. hi how are you what's up i think yes 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 तो चलो एक बार बुला लें क्या फिर अपने सारे की तारे फ्रेंड्स को आज ना आपका जो फ्लेमिंगो के पोम्स हैं दोनों पोम्स जो हैं वो एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं ये सेशन इज योर गो टू सेशन बिफोर एग्जाम्स आल्सो बिकॉज दिस विल इंक्लूड दी ऑफ द पोम्स in addition to which we will be discussing important words that you can use in your answers and in addition to that we are going to also discuss the literary devices uh, jitpe questions uh, aaye bhi hai, toh you, can, you can use them answers likhne ke liye okay so uh, ye, ye, ye wala video will include almost everything that you require हाय सौम्या हाय आशनिया हाय सोनिया हाय सुहानी हाय अनुज हाय प्राची हाय अंशिका हाय शमा हाय रिया आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू मैं अच्छी आप कैसे हो ऑल राइट आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट यू एंड हाय प्रतीक हाय सिमरन हाय अंजली Hi, Shining Shimmer. Hi, Simran. Hi, Sanjay. Hi, Astronaut. Hi, Pratik. Hi, Ria. That's good. Hi, Kushi. Hi, Karan. I am fine, Shining Shimmer. How are you? And Bubu is also fine. Thank you. Hi. Simran, that's really sweet of you. A funny style. Hi, Prachi! Hello, Prachi! हाय आदित्य मैं अच्छी हूँ अंजलि आप कैसे हो हाय यू मकान आम फाइन हाउ यू हाय विकास हाय आदित्य हाउ यू आई कैन यू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द सेशन विद योर फ्रेंड्स बिकॉज आई डिड नॉट शेयर इट द सेशन वॉज क्रिएटेड एंड यू गे ट्वेल्व एंड एडवांस नॉट अवेलेबल फोर अ फ्यू डेज आई हेड अ फंक्शन एन ऑल एंड टू बी देर but now we'll be taking regular classes i will be taking regular classes and i'll be here with you guys so today we are going to discuss english k flamingo k poems this video is everything that you need for poems आई हॉट यू कवर इन दिसट सो डू वॉच इट टिल एंड सो दैट यू नो कि इसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया है एंड इसके बाद में आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है इनकेस यूर न्यू टू दैनल काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज यू गुट टू गेट एवरी थिंग हिस्टर ऑन दिस चैनल Okay, and if you don't know me, hi, this is your super educator Shripra Mishra, and I am a number one educator on an academy. You can always follow me, uh, instead of edit profile, pe follow hoga. just click on that and you can follow me. Uh, I am the number one educator in your category, so you are learning with the best. Be rest assured, okay? All right. यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस और आइकॉनिक आप दोनों में से किसी पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो प्लस पे अगर टू तो गेट तो गे लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपोर्ट गाइडलाइन स्टडी मटीरियल और स्टडी प्लानर मिलेगा आइकॉनिक पे एस डी सी क्लासेस का बस एक ही मोटो है और वो है गो बुकलेस नीथिंग आपको सारी चीजें uh, मिल जाएगी आपको एनसीआर खरीदने की भी तब जरूरत है जब आपको स्कूल में uh, चाहिए होता है अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती है अब तो पूरा का पूरा सेशन ही निकल गया है बट मैंने ये इसलिए बोल दिया बिकॉज इंग्लिश इज अब्जेक्ट मेरे को ऐसे कभी कभी लगते हैं तुमने किताबें तो खरीदी है ना कि फिजिक्स की नोटबुक या अकाउंट्स की या पोलिटिकल साइंस की नोटबुक के साथ में पीछे के चार पन्नों में तुम्हारा इंग्लिश चल रहा है हा? तो वो एक चीज आ, आ जाता है इसके लिए आई से दैट बट अदरवाइज यू डोंट नीड सेवरी थिंग चूज प्लस और आईकॉनिक दाइस विल बी लाइक दिस एक महीना लगभग रह गया था रह गया आई थिंक अब तो इंग्लिश के एग्जाम में एक महीने से भी कम है और आपके बाकी सारे जो एक्चुअल एग्जाम्स हैं उनमें लगभग एक महीना आपके पास में भी बचा हुआ है आप ले सकते हो एक महीने का सब्सक्रिप्शन भी इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कंसिडर टेकिंग वन मंथ सब्सक्रिप्शन एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूज कोड एस डी सी लाइव एस डी सी एल आई वीई दिस इज माई कोड इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला एंड यू कैन आई एंजॉय द कॉन्टेंट एंड एवरी थिंग ओके फ्रॉम वेन विल यू स्टार्ट इंग्लिश क्लासेस फॉर सी यू ई टी या आई स्टार्ट सुन

पता नहीं क्यों डरते हो आप आन जेनिफर्स टाइगर से इतना प्यारा सा छोटू सा तो एकदम इतना छोटू सा पोम इतना प्यारा सा तीन सेंसर में खत्म हो जाता है एनीवे वे anyway, आन जेनिफर्स टाइगर से शुरू करेंगे तो सबसे पहले एड्रीन रिच ओपी कर दो जल्दी से यहीं से शुरुआत करने वाले हैं तो एंड्रीन रिच ओपी कर दीजिए हाँ ah, क्योंकि जब तक पोएट का नाम पता नहीं होता है इज ऑलमोस्ट नो पॉइंट पॉइंट यार कोई ही नहीं है आंसर्स में मतलब आप इतना सब आपने सीखा, आपने सीखा इतना याद किया इतनी बार क्लासेस में ओपी किया अगर आपने इसको याद नहीं किया आपको स्पेलिंग याद नहीं हुई एग्जाम में नहीं लिखा तो फिर कैसे पता चलेगा सामने वाले टीचर को कि तुम्हें पोएट का नाम पता था वो क्या होता है वो पोएट होता है <laughs> पोएट होता है और क्या होता है टाइगर टाइगर्स uh, जो है वो पोएट ने लिखी है अबाउट द पोएट एड्रीड रिच ने लिखी है पोएट की अगर हम बात करते हैं देखो यार एक जो है एक, एक चीज जो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक इंटरप्रिटेशन टाइटल से ड्रॉ कर सकते हैं और टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर अब मेरी आंट तो नहीं है जेनिफर और मोस्टली आपकी भी नहीं है मान सकते कि नहीं की हॉबी तो तो यहाँ पे जो टाइटल है ये जरूर ड्रॉ कर सकते हैं देर आर चांसेस कि एड्रीन रिच में और आंट जेनिफर के अंदर कोई तो कनेक्शन है और आंट जेनिफर जो है वो एड्रीन रिच की आंट है जस्ट एन इंटरप्रिटेशन ओके थिंकिंग आउट लाउड ये एक अमेरिकन पोएट और दिखाया ही जा रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी आवाज उठाई है किस चीज के खिलाफ पेट्रियाकी के खिलाफ पेट्रियाकी क्या होता है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो पुरुष प्रधान है बोले तो मेल्स को फेवर करती है उस सोसाइटी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है अच्छा खुशी की बात यह है कि हमारा देश बदल रहा है दुनिया बदल रही है और ये बहुत कम देखने को मिलता है पर बहुत सारे कोनों में देश के वर्ल्ड के अभी भी ये हो रहा है एंड आई होप के ये चीज के बाद में कम से कम जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो लोग दूसरे लोगों को समझा पाएंगे बिकॉज आई नो माई किड्स दे ट्रीट एवरी वन इक्वली बट या दैट्स हाउ दैट्स दर थीम ऑफ द पोअर अच्छा अभी यहाँ पे इसका पूरा समरी देख लेते हैं पूरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा एवरी थिंग इज योर एंड आई विल स्टैंडिंग योर एंड स्पीकिंग आई एम गोइंग टू टेल यू मेक श्योर दैट यू सिट विद बुक और एनीथिंग द नोट्स और एवरीथिंग दैट यू हैव सो दैट आप लाइन बाय लाइन सब देख सकते हो देख सको सबसे पहली लाइन जो है हमारी पोअम के अंदर जो आंट जेनिफर टाइगर है उसके अंदर पोएट बताती है आंट जेनिफर के बारे में वहां पे आंट जेनिफर के टाइगर्स लिखा हुआ है भाई आंट जेनिफर के टाइगर्स कैसे हो सकते हैं आंट जेनिफर के टाइगर्स बोले तो जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं तो जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो हो गए आंट जेनिफर के टाइगर कहां बनाए हैं कपड़े पे वो एम्ब्रॉयडर करती हैं क्यों बनाए हैं क्योंकि टाइगर्स आंट जेनिफर के शार्प कॉन्ट्रास्ट में हैं टाइगर्स जो है, वो जेनिफर से उल्टे है। जहां पे शिकार करने के लिए चलो भाग जाते हैं यहां से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इनफैक्ट वो तो ऐसे होते हैं कि गए तो देख लेंगे यार कोई बात नहीं वो डरते नहीं है वो कहते झुकेगा नहीं उनका अपना ऐसा चलता रहता है तो इसके लिए आंट है वो टाइगर्स उन्होंने क्यों चूज किया है बिकॉज वो फियरलेस है वो नहीं डरते हैं उन शिकारियों से जो शायद उनका शिकार करने आए हों इनफैक्ट वो अपने प्राइड को अपने सेल्फ एस्टीम को होल्ड करके रखते हैं अपने प्राइड को अपने सेल्फ एस्टीम को होल्ड करके आगे बढ़ते रहते हैं जो कि तीन चीजें बताता है उनके बारे में सबसे पहली चीज टाइगर जो होते हैं वो ब्रेव होते हैं दूसरी चीज टाइगर्स फ्री हैं दे कैन डू वट एवर दैट दे वॉन्ट ठीक है और तीसरी चीज उन्होंने अपना सेल्फ एस्टीम अपना सेल्फ प्राइड जो है वो बचा के रखा है दैट मीन उन्हें कोई अप्रेस नहीं कर रहा है उन्हें कोई भी दबा नहीं रहा है और ये तीनों चीजें जो टाइगर्स में प्रेजेंट हैं, ये आंट जेनिफर में नहीं है ये तीनों चीजें जो इनके अंदर है वो आंट जेनिफर में नहीं है आंट जेनिफर ने इसीलिए इन्हें ड्रॉ किया है सेकेंड लाइन के अंदर इस पोम के एड्रिन रिच बताती हैं कि आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर्स इतने खूबसूरत हैं इतने खूबसूरत हैं जैसे कि मानो एक जेम हो एक हीरा हो एक एक एक, एक पत्थर हो एक कीमती पत्थर हो तो बोले एकदम टोपास जैसे एक ब्राइट येलो कलर के आ, उन्होंने खूबसूरत से टाइगर्स बनाए हैं जो कि उनके आर्ट के बारे में बताता है, बताता कितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं तो उन्होंने हरे कपड़े पे जो कि फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं उन्होंने क्या किया एम्ब्रॉयडर किया ब्राइट येल्लो कलर के टाइगर्स को वो कहते हैं ये जो टाइगर्स है ये टाइगर्स नहीं डरते हैं उन आदमियों से जो इनका शिकार करने आए हैं इन फैक्ट ये तो अपना प्राइड अपना अपना सेल्फ एस्टीम मेंट, मेंटेन करे हुए एकदम एलिगेंस से आगे बढ़ते जाते हैं फर्स्ट स्टैंजा के अंदर शार्प कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया गया है आंट जेनिफर और टाइगर्स के बीच में लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टैंडा सेकेंड स्टैंडा स्पीक्स अबाउट द ब्रुटैलिटी और द द ऑप्रेशन या फिर द द हार्डशिप्स, चैलेंजेस जो कि एक औरत करती है आकल सोसाइटी में पेट्री सोसाइटी जो होती है हा उल्टा ये डराते हैं हाँ ध्रुव एग्जैक्टली हमारे को तो ऐसा हो गया हमको तो ऐसे हम मैं गई थी रंतम टाइगर देखने टाइगर वाइगर कुछ नहीं दिखा सब दिख गए टाइगर को छोड़ के तो ऐसा फिर उसके बाद में वहां पे जो ऐसे टूर कराते हैं वो कहते हैं यहाँ पे खड़ा हुआ था टाइगर तो पूरे के पूरे लोग ऐसे डर रहे थे जैसे वहां से जंप भी कर जाएगा तो तो यहाँ पे खड़ा हुआ था हो सकता है कि अभी यहाँ पर हो निकल के आया बंदर चलो यार ये कैसा टाइगर है ये ये टाइगर की इतनी बड़ी पूछ कहां से हो गई हाँ ये टाइगर की आवाजें ऐसे-ऐसे चेंज हो रही है भाई तो इसके लिए काई ना काई टाइगर्स जो क्वालिटीज है, है। जिन, जिन, कहीं ना कहीं आंट जेनिफर को चाहिए ये रीजन है उन्होंने टाइगर सेलेक्ट किया ठीक है तो अगर की बात करते हैं तो सेकेंड स्टैंडा के अंदर डिस्कस किया गया उनके हार्डशिप्स के बारे में

आपको एग्जाइटी हो रही होती है तो आपके हाथ कांपने लगते हैं बिकॉज इन नो पोजिशन टू टेक डिसीजन तो वो उनको डर लग रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द फियर फियर ऑफ बींग उनको डर लग रहा है कि कहीं अंकल यस yes, कहीं अंकल या फिर सोसाइटी उन्हें देख ना ले मैम ऐसा भी वो क्या कर रही है वो कोई इलीगल चीज थोड़ी कर रही है एम्ब्रॉयडरी तो कर रही है यही खूबसूरती होती है कह सकते हैं पेट्रियाल पेट्रियाल सोसाइटी की एम नॉट श्योर खूबसूरती इफेक्ट या क्या बोल सकते हैं उसे बट यही एक इफेक्ट होता है उसका पेट्रियाल सोसाइटी में यू आर नॉट अलाउड टू डू यू आर नॉट अलाउड टू चूज थिंग्स दैट यू वांट टू यू यू विल डू थिंग्स जो कि सोसाइटी या मेन्स चाहते हैं कि आपको करनी चाहिए हो सकता है कि आंट जेनिफर की एम्ब्रॉयडरी से सबको प्रॉब्लम हो पहली चीज ये हो गया इसका लिटरल एक्सप्लेनेशन सेकेंड अगर हम इसको इंटरप्रेट करके देखें तो टाइगर्स जो है वो जो पूरा टेपेस्ट्री वो बना रही हैं वो पूरा का पूरा वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं वो एक तरीके से उनके ड्रीम्स हैं उनकी डिजायर्स है डिजायर्स टू बी फ्री और वो डिजायर्स जो हैं उन डिजायर्स को वो ड्रॉ कर रही है और हर किसी को अपने डिजायर्स को ड्रॉ करने का मौका खास करके एक औरत को सोसाइटी पेट्री सोसाइटी नहीं देती है वो अपनी डिजायर्स को ड्रॉ कर रही है वो अपने डिजायर्स फ्री होने के करेजियस होने के सेल्फ एस्टीम से आगे चलने के उन्हें ड्रॉ कर रही है और उन्हें डर लग रहा है दैट द सोसाइटी और अंकल उन्हें वो सब नहीं करने देंगे वो अपनी इंडिपेंडेंस को ड्रा कर रही है एंड द सोसाइटी वोट लेट ह सोसाइटी उन्हें वो नहीं करने देगी ये हमें पता चलता है तीसरी लाइन से जहां से हमें पता चलता है सैंजा टू की तीसरी लाइन से से जहां से हमें पता चलता है 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 कि जो उन्होंने वेडिंग वेडिंग रिंग पहनी हुई है, वेडिंग बैंड पहना हुआ है, वो निशानी है उनकी शादी की जब आप एक हैप्पी मैरिज के अंदर होते हो तो यहां से आने वाली मैरिज से उठने वाले सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही खूबसूरत लगते हैं द मिनट वो जो मैरिज है वो टॉक्सिक हो जाती है वो सिर्फ बर्डन होते हैं और कुछ नहीं ये जो अंगूठी है ये उन्हें बर्डन लग रही है वो आजाद हो जाना चाहती है इस मैरिज से बट सोसाइटी उन्हें करने नहीं देंगी ये जहां पे उन्होंने वो रिंग पहनी हुई उनके हाथ कांप रहे हैं और उनके हाथ कांप रहे मानो जैसे कि इस रिंग के रूप में सोसाइटी और अंकल की विशेष हों जो कि उन्हें वो बनाने नहीं देंगी उन्हें फोर्स करेंगी उनके हाथ को दबाएंगी बोले तो ऑप्रेस करती हैं और करती रहेंगी उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस ड्रॉ नहीं करने देंगी। सो so, बताता है कि किस तरीके से आप एक पैट्रियाकल सोसाइटी में दूसरों के विशेष को दूसरों के डिजायर्स को फुलफिल करते हो एंड यू डोंट हैव योर ओन द विशेष सो कहीं ना कहीं पेट्रियाकल सोसाइटी कैसे ट्रीट कर सकता है औरतों को उसके बारे में यहां पर पूरा डिस्कशन जो है वो किया गया है नंबर थ्री पे अगर हम आते हैं तो ये वाला जो हमारा स्टैंडा है वो स्टैंडा कहता है कि किस तरीके से यस yes, किस तरीके से आंट अगर मर भी जाएंगी एड्रीन रिच बोलती है अब वो हमें बताती है कि क्या होगा जब आंट मर जाएंगी आंट एक उस औरत का सिंब, एक सिंबल है जो औरत एक पेट्री सोसाइटी में रहती है और उस पेट्री सोसाइटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता आप मर भी जाओ पर आपको आपकी जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा वो मर भी जाएंगी पर उसके बावजूद भी वो फ्री नहीं हो पाएंगी वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाएगी वो आजाद नहीं हो पाएंगी क्यों नहीं हो पाएंगी आजाद क्योंकि जब जब वो ये कोशिश करेंगी उन्हें दिखेगी सोसाइटी लोग क्या कहेंगे बच्चों का क्या होगा फैमिली का क्या होगा इसका क्या उसका क्या मरने के बावजूद भी उनके वही डरे हुए हाथ एक कहानी कहेंगे और डरे हुए हाथों पे एक मार्क होगा और वो मार्क होगा उस अंगूठी का वो अंगूठी जो है जो उन्हें बांधती है अंकल से यही वो अंगूठी है जो उनकी हार्डशिप्स की कहानी कहेंगी इस अंगूठी से पता चलेगा कि उन्होंने अपने लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस फेस किए और कैसे वो आज तक भी फ्री नहीं हो पाए तो शायद ये सोसाइटी आंट को तो फ्री नहीं करेंगी पर आंट की आर्ट जो है वो एंड्योर करती रहेगी आंट के मरने के बावजूद वो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो टाइगर्स वहां पर दीवार पर लगे हुए आंट के डिजायर्स की कहानी कहेंगे वो कंटिन्यू करते रहेंगे आगे बढ़ना वो फ्री रहेंगे चाहे आंट फ्री ना हो पाए तो आर्ट जो होती है वो चलती रहती है और आंट की आर्ट में ही उनकी डिजायर्स हैं जो प्रिवेल करती रहेंगी चाहे वो मर भी जाए थीम है पेट्रियाकल सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ऑपरेशन अगेंस्ट वुमेन पे और ये थीम आपको याद रखना है इसकी मदद से ही आंसर लिख पाएंगे इसके सो दैट इज दी ऑफ द इंटायर पोम

मतलब होता है प्राउडली भागते हुए जाना कूदते हुए जाना फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना मतलब राइट right, uh, आपकी टाइगर के कुछ पोएटिक डिवाइस जो आपको ध्यान रखने चाहिए सबसे पहले वी हैव एलिट्रेशन एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होती हैं दो वर्ड्स हैं दो वर्ड्स का फर्स्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है और जब वो उसकी साउंड जो है वो रिपीट होती है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं तो एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड जब साउंड रिपीट होती है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं सो so, uh, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दे पेस्ट इन स्लीक्रिक्स अटर्निटी सो आपको यहां पर एलिट्रेशन देखने को मिलने वाला है आंट जेनेफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग में एलिट्रेशन देखने को मिलने वाला है फ्रांसिंग प्राउड में एलिट्रेशन देखने को मिलने वाला है ठीक right. है। का मतलब होता है जब हम लोग क्या करते हैं हम images को साथ में प्लेस करने की कोशिश करेंगे आइडियाज को साथ में प्लेस करने की कोशिश करेंगे ताकि से हमको एक थीम क्लैरिफाई कर सके आंट जो कि इतनी फीबल थी इतनी कमजोर थी उनको यहाँ पे उनके कॉन्ट्रास्ट के अंदर रखा हुआ है प्राइड प्राउड टाइगर्स को टाइगर्स जो इतने घमंडी होते हैं टाइगर्स जो इतने ज्यादा बोल्ड होते हैं वो किसी के नहीं सुनेंगे किसी से नहीं डरेंगे उन्हें आंट के कॉन्ट्रास्ट में रखा हुआ है तो यस यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है दोनों एकदम ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट वन इज इमेजरी आई होप इट्स विजिबल यस इमेजरी इमेजरी इसलिए होता है देखो जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं क्या मीक का मतलब होता है वीक तो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको चीज़ें एक्सप्रेस कर पा रही हूँ बिकॉज आप मेरे फेस को भी देख पा रहे हो मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन को भी देख पा रहे हो आप मेरे एक्सप्रेशन मेरे जेस्चर्स को भी देख पा रहे हो बट अगर हम पोएट की बात करते हैं तो पोएट ऐसा नहीं कर सकते यू नो पोएट uh, लिख रहे हैं तो लिखने में अभी वो कैसे बताएं वो क्या सोच रहे हैं एंड हाउ डू दे मेक यू फील दैट वे एंड दैट इज वाई वो कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड्स के साथ में एक सेंसेशन होती है सो so ये एक तरीके का एक आपको एक सेंसरी इमेज बना के देता है द मिनट हम वो वर्ड कहते हैं आप इमेजिनेशन करने लगते हो आप फील करने लगते हो तो ये वर्ड जो होते हैं इन्हें हम इमेजरी कहते हैं तो एक विजुअल विजुअली डिस्क्रिप्टिव या फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है खास करके अगर हम एक लिटररी वर्क की बात करते हैं उसी को हम इमेजिनरी कहते हैं जैसे कि ब्राइट टोपास ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जैसे ही मैंने आपको बोला तो आपने ब्राइट टोपास येलो स्टोन इमेजिन कर लिया मैंने बोला फॉरेस्ट तो आपने फॉरेस्ट इमेजिन कर लिया दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री आपने शिकारियों को इमेजिन कर लिया मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मैंने जैसे ही बोला जबकि मेरे पास फिंगर है भी नहीं मतलब और रिंग है भी नहीं उसके बा, बावजूद जैसे ही मैंने बोला आपने वो इमेजिन कर लिया तो ये जो है कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इमेजन ही कह सकते Metaphor. Metaphor, जहा पे आपको डायरेक्ट कंपेरिजन देखने को मिलता है एक मैं बोलती हूँ तुम कुंभकर्ण हो ये दिस इज द डायरेक्ट कंपेरिजन एक मैं बोलती हूँ तुम कुंभकर्ण जैसे हो दैट इज दिमिली डायरेक्ट कंपेरिजन तुम्हें वो बना ही दिया है वो उसको हम मेटिफर कहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्राइट टोपास तो क्योंकि ब्राइट टोपास तो का जो येलोइश ऑरेंजिश ब्राउनिश कलर होता है उसे कंपेयर किया गया है किसके साथ में टाइगर्स के साथ में देन आपको देखने को मिलेगा पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम यहाँ पर आ, कोई भी एक ऐसी चीज जो एक्चुअली में आ, ऐसी चीजें नहीं कर सकती जो ह्यूमन कर सकते हैं जैसे कि सांस लेना भागना दौड़ना ऑफ अदर थिंग्स जो हम कर सकते हैं पर चीजें नहीं कर सकती तो अगर मैं इसको इसको बोलू कि ये पेन भाग रहा है दैट मीन्स ये मैं परसोनिफाई कर रही हूं मैं इसको परसोनिफाई कर रही हूं एक नॉन लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग को क्वालिटीज दे देना इज परसोनीफिकेशन यहां परसोनिफाई किया गया है टाइगर्स को क्यू क्योंकि ये जो टाइगर्स है ये टाइगर्स एक्चुअली एक टैप ट्री है एक कपड़ा है जिसके ऊपर टाइगर्स की पिक्चर है वो लिटरली नहीं भाग रहे है वो लिटरली वो सब नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब क्या है ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा परसोनिफिकेशन टाइगर्स को परसोनिफाई किया हुआ है पन पन का मतलब होता है जब आप कोई एक चीज के मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हो जब कोई एक चीज होती है उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं तो उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो उसे हम पन कहते हैं तो इसको प्ले ऑफ वर्ड्स कहते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे स्टिल रिंग्ड विद ऑडीड बाय अब इसके दो मतलब निकल सकते हैं इसका एक मतलब क्या निकलेगा इसका एक मतलब निकलेगा वो रिंग जो उन्होंने पहनी हुई है वो रिंग जो उनकी शादी की निशानी है तो एक तो इसका मतलब रिंग निकल जाएगा और दूसरा जो मेजर इसका मतलब है वो है डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज जो उनके आप कह सकते हो कि चैलेंजेस आए थे जो भी इश्यूज़ उनकी जिंदगी के अंदर हुए हार्डशिप्स हुए लाइफ के जो भी ऑड्स थे तो ये दोनों जो है इस लाइन का रिंगड स्टिल रिंगड विद ऑडील्स शी वाज मास्टरड बाय ये लाइन के ये दो मतलब निकल सकते हैं रिंग विद ऑडील का मतलब है द रिंग इटसेल्फ एंड आल्सो दी ऑडील्स तो उसकी वजह से रिंग मतलब जुड़े होना डिफिकल्टीज से सो so ये दो मतलब निकल सकते हैं दैट इज व्हाई इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पन इसके बाद में आपको यहाँ पे रेपिटेशन देखने को मिलेगा रेपिटेशन का मतलब होता है अगर वर्ड्स फ्रेजेस टैंस रिपीट होते हैं एक कह एक 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 सकते पोएटिक इफेक्ट लेकर आने के लिए तो उसे हम रेपिटेशन कहते हैं स्पेशली आप देखोगे कोई एक वर्ड का बार 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 रिपीट होना अच्छा एक चीज मैं आपको बताती हूँ जब इनिशियल वर्ड या फिर फ्रेजेस दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन में रिपीट होते हैं तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं तो यहां पे आपको रेपिटेशन डायरेक्ट ऐसे रेपिटेशन तो नहीं देखने को मिलेगा पर एनोफोरा जरूर देखने को मिलेगा दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री दे पेस पे शिवालिक सर्टिटी सो ये दे दे वाला जो है ये एनोफोरा है तो so, जब भी आपको दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स के अंदर जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स के अंदर uh, एक सेम वर्ड रिपीट होता हुआ दिखता है तो उसे हम क्या बोलते हैं एनाफोरा कहते हैं ऑल राइट देन वी हैव राइम स्कीम सो हर पोम के साथ में राइम स्कीम हो जरूरी नहीं है अ लॉर्ड पोम्स आर फ्री वर्स दैट मींस बस ऐसे ही लिख दिया है वो so, राइमिंग नहीं है उनमें बट यहाँ पे राइम स्कीम आपको देखने को मिलेगी एक है ए ए अच्छा राइम स्कीम uh, जो है वो है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ तो ये इसका पोम का इंटायर पोम का तीनों स्टैंजा का राइम स्कीम है इनकेस यू नीड इट यू कैन यूज़ दिस वन जम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के आई थिंक प्रीबोज में भी पूछा गया था आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके बारे में है कि भाई एड्रीन रिच ने कोशिश किया है यहाँ पे आपको कुछ सिम्बल्स के थ्रू चीजें समझाने का तो जो सिम्बल्स है वो सिम्बल्स कौन से है तो अगर हम सिम्बल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन जो है मेजरली आपको सिम्बल्स देखने को मिलेंगे लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट तो सबसे पहला तो सिंबल क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई एक ऐसी चीज जो मूव नहीं करेगी सबसे पहला है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड ये सिंबल है किस चीज का सिंबल है ये सिंबल है पेट्री आकी का ये सिंबल है पेट्री आकी का ये सिंबल है यू नो मैरिज का शादी का तो ये शादी का सिंबल है सिट हैविली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड ये जो है ये सिम्बॉलिक है किस चीज का फीमेल ऑपरेशन का

फ्लटरिंग है फिंगर्स फ्लटरिंग इज सिंबल ऑफ द काइंड ऑफ पेन दैट शी इज गोइंग थ्रू बिकॉज मे बी शी इज ट्रामाटाइज मे बी वो फिजिकली एंड मेंटली उन्हें ट्रामा ट्रामाटाइज किया जा रहा है सो येस दैट इज देयर देन वी है टाइगर्स इन द पैनल दैट वो जो टाइगर्स जो उन्होंने पैनल में बनाए हैं ये टाइगर्स सिंबल है आर्ट के कि किस तरीके से आदमी चला जाता है इंसान चला जाता है पर उनकी आर्ट पीछे सदियों तक रहती है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हो थ्रू आर्ट एंड वेन यू गो वो वही रहेगी सदियों तक राइट नेक्स्ट right, uh, आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर टेन सॉरी नेक्स्ट आपको मिलेगा टेंथ लिटरी डिवाइस एंड जेनेफर्स टाइगर में और वो है सेनेक्ट की ये जो है ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे आपको कोई एक पार्ट बता दिया जाता है पूरी चीज की बजाय जैसे मान लो मैंने बोल दिया हेड्स फिंगर्स टूस ये मैंने ह्यूमन बींग्स की जगह बस वो पार्ट्स बता दी उससे भी पता चल जाएगा आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स सो यहाँ पे आप देखोगे वेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाए यहाँ पे ये जो हैंड्स हैं ये एक्चुअली एंटायर आंट की बात कर रहा है सिर्फ हाथों की नहीं ये इंटायर आंट दैट मीन्स पूरी उनके बॉडी की बात कर रहा है कि आंट को कैसा ट्रीट किया गया था वो कितनी ज्यादा फीबल कितनी वीक हो गई थी कितनी डरी हुई थी और उनकी पूरी बॉडी अभी एक कहीं ना कहीं कहानी कहेगी और वो कहानी होगी उन उस ऑपरेशन की जो उनके ऊपर किया गया था फाइनलीट जिसको आप एक तरीके से adjective के जैसे भी ले सकते हो वसन के बारे में बता रहा है पर्सन आंट जबकि यहाँ पर ये हैंड को क्वालिफाई कर रहा है ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझने का हाँ आई थिंक ट्रांसफर्डिटेट को एपिथेट को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है एब्जेक्टिव आपको जहां पर भी एडजेक्टिव देखने को मिले वहां पर एपिथेट तो है सेंट परसेंट है अब ट्रांसफर्ड समझने के लिए आपको यह देखना होता है कि जिसको वो डिफाइन कर रहा है वो क्या है तो क्या वो एग्जैक्टली उसको ही डिफाइन कर रहा है अगर हाँ तो सिर्फ एपिथेट है अगर वो किसी और चीज को डिफाइन कर रहा है तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है जैसे कि यहाँ पर टेरिफाइड यहाँ पर हैंड्स लिखे हुए हैं टेरिफाइड हैंड्स तो टेरिफाइड हैंड्स जो है ये टेरिफाइड हैंड्स के अंदर आपको जो टेरिफाइड दिख रहा है ये क्या है एडजेक्टिव ही तो है हाथों की विशेषता ही तो बता रहा है तो क्या ये टेरिफाइड हैंड सच में हाथों के बारे में बात कर रहा है हाँ तो एपिटेट होगा पर ये एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है आंट के बारे में क्योंकि ये आंट के बारे में बात कर रहा है हाथों के थ्रू इसके लिए इसे ट्रांसफर्ड एपिटेट कहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ 11 लिटरी डिवाइसेज मैम ने करवा दी है ये ग्यारह लिटरी डिवाइसेज आपको मदद करेंगे Uh, कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर को अच्छे से क्रैक करने के लिए इसमें आपको आंसर दिखने के लिए और ज्यादा कंटेंट मिलेगा वी नीड मोर कंटेंट सो दैट वी कैन राइट बेटर तो बेटर आंसर्स दिखने में मदद करेगा आई विल अपलोड शमा आई थिंक टू नाइट मोस्टली मैं अच्छी हूँ रावड़ी तुम कैसे हो चलो फटाफट फड़ से जॉन की सोपी कर दो थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन की बाकी सारे टोपी <laughs> हाँ जॉन की सोपी जॉन कीट्स आपको तो पता ही है एक बहुत ही रोमांटिक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है और यस 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 और इनको सर्जन बनने के लिए तैयार किया गया था बट देन uh, ये बन गए थे पोएट एक रोमांटिक पोएट बन गए थे और इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक पोम लिखी जिसका अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक एक्सॉप्ट है महज एक हिस्सा है ये कहानी थी एक शेफर्ड की जिसको मून uh, गॉडेस बोले तो सिंथिया दिख गई थी एंड देन बस वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा रास्ते में उसे इतनी सारी खूबसूरत चीजें दिखी और वो सारी खूबसूरत चीजों का कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी में तो आपको जो पोम है उसका नाम याद रखना है और ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैम ने बताया है, इसको ध्यान रखना है या तो चलो फिर इसी बात पे शुरू करें क्या तो सबसे पहले जो इनका ये नहीं रिया मुझे नहीं पता एक जो हम बात करते हैं इस टांजा की फर्स्ट वाला स्टांजा इट स्पीक्स अबाउट खूबसूरत चीजें ऐसी चीजें जो जिनको आप देखते हो एक खूबसूरत चीज के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जब भी आप उसे देखते हो इट कोई टू लीव एंड इम्प्रिंट ऑन योर माइंड आप चाहो तो आप उसे वापस ना देखो आप उसे कभी ना देखो बट वेन एवर थिंक अबाउट इट आपका जो जॉय है जो वो प्रोड्यूस करती है बस वो मल्टीप्लाई होता जाएगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा जो जॉय वो प्रोड्यूस करती है वो कभी भी जीरो नहीं होगा तो खूबसूरत चीजें जो है वो आपको खुशी देती है और वो खुशी जो है वो एवर होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है वो ऐसी खुशी आपको देती है ठीक है राइट सो so ये उन्होंने बताया फिर वो बताते हैं कि खूबसूरत चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि मानो छा ठीक है तो आपको ना यहाँ पे जॉन कि खूबसूरत चीजों का कोई पैरामीटर नहीं होता हम उन्हें एज के साथ में सेवरल फैक्टर्स हैं, जिनके साथ में कंपेयर करते हैं बट खूबसूरती एक फीलिंग होती है आई थिंक मोर देन वो कैसा उसका आउटर अपियरेंस होता है उससे ज्यादा ये जरूरी है कि वो आपको कैसा फील करवाती है तो खूबसूरती एक फीलिंग होती है और ये जो फीलिंग है ये फीलिंग कहीं ना कहीं उन्होंने बताई है कुछ कुछ बहुत सारे इंस्टेंसेस uh, uh, में जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि खूबसूरती एक छांव के जैसी होती है ऐसा नहीं होता बहुत गर्मी आपको लग रही होती है एंड देन आपको एक ट्री शेड मिलता है तो जैसी वो छांव होती है ना वो खूबसूरत है खूबसूरत है एक बहुत ही चैन की नींद जिसमें खूबसूरत सपने आ रहे हैं खूबसूरत है हेल्थ क्योंकि उन लोगों से पूछो जो हेल्दी नहीं है उन लोगों से पूछो जिनको कोई तो हेल्थ इश्यूज है उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो शायद यही प्रे कर रहे हैं अपने जिंदगी के अंदर और पता है आपके पास में कुछ भी हो पर आप उसको कमा नहीं सकते हो एंड देन खूबसूरत है यू नो you know, चैन की सांस हर एक इंसान को वो भी नसीब नहीं होती है तो बोला ये सारी चीजें जो है एक फीलिंग एक तरीके की फीलिंग है एक ऐसी चीज है जो आप फील कर सकते हो और ये सब कुछ जो आपको फील कराता है यही है एक तरीके का यही ऐसी फीलिंग है जो एक खूबसूरती या कोई खूबसूरत ऑब्जेक्ट आपको फील कराता है वो इसके बाद में सेकंड स्टैंडवा के अंदर बताते हैं बोला कि ये खूबसूरती हमें हमारे मदर अर्थ के साथ में बांधती है अगर खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे अगर खूबसूरत प्लांट्स नहीं होंगे आ या कोई भी खूबसूरत चीज़ें नहीं होंगी तो हम मदर अर्थ से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे आपको है? ये खूबसूरत चीजें होती हैं जिनकी बदौलत हम सांस लेते हैं क्योंकि हमारे लिए मदर अर्थ से कनेक्टेड होना ज़रूरी है एंड एवरी मॉर्निंग जब हम उठते हैं हमारी पहली सांस के साथ में हम खूबसूरत चीज़ों के जरिए अर्थ के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं बोला लाइफ के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं लाइफ के अंदर सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं होंगी विल बी अ ऑफ अदर थिंग्स बहुत बहुत बार बार हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं बहुत बार हमारी दिन अच्छे नहीं जा रहे होते हैं बहुत बार हम गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं और बहुत बार हमें ऐसा लगता है दुनिया के अंदर इंसानियत ही खत्म हो गई है पर ये सारी चीजें हैं जो कि इतने डिमोटिवेटिंग होती है कि एक इंसान को जीने की इच्छा ही नहीं होती इन सारी चीजों के बावजूद किसी तो फॉर्म में खूबसूरती आती है और किसी तो फॉर्म में खूबसूरती आकर और एक ऐसे समझो जैसे एक डार्कनेस का बादल होता है दैट इज पॉल ओके तो एक खूबसूरती का एक डार्कनेस का बादल होता है और वो खूबसूरत चीज़ उस बादल को हमारे डार्क स्पिरिट से हटा देती है हमारे डार्क स्पिरिट्स को खूबसूरत कर देती है क्योंकि अगर ये खूबसूरत चीज़ें नहीं होती तो हम लोग शायद उतना मोटिवेटेड फील ही नहीं कर पाते शायद हम लोग वो सारी चीजें फील नहीं कर पाते या वो सारी चीजें नहीं कर पाते जो या फिर हो सकता है कुछ लोग कुछ लोग तो बहुत पहले गिवअप कर चुके होते पर ये खूबसूरत चीजें ही हैं जो हमें आगे जीने के लिए मोटिवेट करती हैं अच्छा इसके एडिशन के अंदर ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है समटाइम्स व्हेन यू फील कि अब आपसे नहीं हो रहा है आपने अपना हंड्रेड परसेंट दिया बट आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है बट देन यू नो योर मॉम कम्स एंड शी टेल्स यू कि इट्स ओके वट यू नो आई नो आई फुल फेथ इन यू एन यू गई टू डू इट यू गई टू क्रैक इट ये वो एंड बस वो एक सेकेंड का मोटिवेशन दो घंटे की ओवर थिंकिंग और बैड uh, कह सकते हैं थाट्स को हटा देता है बिकॉज दैट इज़ खूबसूरत वो खूबसूरत है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी से फील कर देता है यहाँ पे जॉन की बात करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ ऐसे खूबसूरत चीज़ों के बारे में जो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ लिस्ट की है पोम बात करता है जॉन कीट्स के आइडिया के बारे में है कि खूबसूरती का कोई भी पैरामीटर नहीं होता है खूबसूरती का कोई मापतंग नहीं होता है आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो बिकॉज ब्यूटी लाइज इन दी आईज ऑफ वी होल्डर इफ यू थिंक समथिंग इज नॉट ब्यूटिफुल देन योर आईज आर नॉट ब्यूटिफुल सो इट्स इट्स ऑल अबाउट विजन यू नो हाउ यू परसीव थिंग्स आप कैसे देखते हो चीज़ों को अगर आप किसी चीज़ को खूबसूरती से देखते हो तो वो खूबसूरत दिखेगी सो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन द विजन हाउ यू लुक एट थिंग्स गॉड हैज़ क्रिएटेड अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स जो कि खूबसूरत है जैसे कि सन जो कि बिगिनिंग बताता है मून जो कि एंडिंग बताता है जॉन ये बताना चाहते हैं कि केवल शुरुआत किसी चीज की खूबसूरत नहीं होती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चीज की एंडिंग भी खूबसूरत होती है जैसे कि मून मून तो दिन का अंत होता है पर वो भी तो कितना खूबसूरत है तो आप ना किसी चीज की शुरुआत या एंडिंग से किसी चीज को जज नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड यहाँ पे जॉन कीट्स डिस्कस करते हैं एज को लॉट ऑफ टाइम्स हमें ऐसा लगता है चीजें जो यंग होती हैं वही खूबसूरत होती है होती, पर ऐसा नहीं है लुक एट ट्रीज ऐसे ट्रीज जो ओल्ड है ऐसे ट्रीज जो यंग है दोनों ही खूबसूरत हैं और दोनों ही छाव देने का काम कर रहे हैं एक एक भोले से इंसान को वो कहते हैं खूबसूरत है वो 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 क्लियर रिल्स भी जहां पे ताजा ठंडा पानी मिलता है जो गर्मी के अंदर जब आपको वो मिल जाए तो आपको जो सुकून वो प्रोवाइड करता है जो पीस जो ठंडक वो आपको प्रोवाइड करता है खूबसूरत है वो भी खूबसूरत है इसकी एडिशन के अंदर मस्क रोजेस जो कि बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छोटे छोटे बुशेस के अंदर रुक के पूरे के पूरे फॉरेस्ट को एकदम फ्रेगनेंस से भर देते हैं और खूबसूरत है डेफोडिल्स जो कि ग्रीन कलर के बड में होते हैं और जब निकलते हैं तो येलो कलर के होते हैं तो बोला वो ग्रीन वर्ल्ड में जो रहते हैं खूबसूरत हैं वो भी तो सारे सैपलिंग्स हर जगह पे लाइफ है एंड इट इज ब्यूटिफुल पोएट आगे चलकर ये भी बताते हैं कि इट्स नॉट जस्ट दीज थिंग्स जो गॉड ने क्रिएट किए हैं जो खूबसूरत है दर आर लॉर्ड ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक द डेथ ऑफ माइटी हीरोज पता नहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सौ साल की जिंदगी के अंदर भी कुछ चीजें नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौत भी बहुत बड़ी चीज कर देती है कुछ लोगों की तो जिंदगी ग्लोरी से नहीं भरी होती ग्लोरीफाइंग नहीं होती है और कुछ लोगों की मौत भी ग्लोरी से भरी होती है कुछ लोग जो शायद अपने देश के लिए खड़े होते हैं अपनी मिट्टी के लिए अपने लोगों के लिए अपनी जान दे देते हैं ये सोचे बिना कि उनकी फैमिली का उनके पीछे से क्या होगा वो लोगों की तो मौत को भी सलाम है बिकॉज वो भी ग्लोरेफाइंग है और खूबसूरत है वो किताबें भी जो उनके ऊपर लिखी जाती हैं क्योंकि वही किताबों को सुनकर वही किताबों को पढ़कर हमें मोटिवेशन मिलता है मानो जैसे कि हेवन से या फिर भगवान जी ने अमृत हम लोगों के ऊपर डाला हुआ है और वो अमृत जो है वो अमृत जो है वो ये खूबसूरत चीजें है क्योंकि जैसे अमृत एवरलास्टिंग होता है इमोर्टल होता है कभी नहीं मरता वैसे ये खूबसूरत चीज़ों से आने वाला जॉय भी कभी नहीं मरता भगवान ने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है कि लाइफ के अंदर हार्डशिप्स आएंगे बट देन यू हैव ऑल दीज थिंग्स जो कि आपको मदद करेगा उनके साथ के अंदर यू नो you know, कोप अप करने के लिए सो so, इन खूबसूरत चीजों को एक इमोटल ड्रिंक का फाउंटेन बताते हैं जो भगवान जी ने हमको दिया है बिकॉज द काइंड ऑफ हैप्पीनेस द जॉय एंड द पीस जो ये खूबसूरत चीजें हमें प्रोवाइड करेंगी वो एवर लास्टिंग है जस्ट लाइक द दिगोर जो भगवान जी के पास है और सो दिस इज थिंग ऑफ ब्यूटी की न्यूर्थ आर बोअर बोअर का मतलब होता है शेडी प्लेस मोरो दैट इज टू मोरो रेडिंग पोना पिरोना स्पाइट इज इंस्पाइडेंस होपलेसनेस नोबल सुपीरियर क्वालिटी पॉल बादल स्पिरिट सोल स्प्राउटिंग फूटना शेडी बून शेड रिल्स छोटी नदियां कोवर्ट मतलब इफेक्ट जो ओपनली नोन नहीं होता छुपा हुआ ग्रांडियोर शान ग्लोरी स्पलेंडर डूम्स डेथ मोर्टल हमेशा के लिए जो जिंदा हो हेवन ब्रिंग भगवान जी का दरवाजा पोएटिक डिवाइसेस इसके अंदर कौन कौन से हैं जरा देखेंगे इसके अंदर भी वी हैव आई थिंक पंद्रह पोएटिक डिवाइसेस चलो शुरू करें सबसे हो uh, सबसे पहले एलिट्रेशन मिलेगा आपको एलिट्रेशन मतलब जब कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं सम शेप ऑफ ब्यूटी देन आपको यहां पर देखने को मिलेगा Sprouting shady. Yeah, mostly. Then, में, simple sheep. का मतलब होता है जब दो चीजें दो ऑपोजिट चीजों को एक सेंटेंस के अंदर डाला जाता है जैसे की ओल्ड एंड यंग असोन का मतलब होता है जब साउंड रिपीट होती है स्पेशली वॉवल की यहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही थी यहां पे वॉवल की साउंड रिपीट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं असोनेंस कहते हैं जैसे कि लवलीनेस नेस इनक्रीजेस तो इसमें क्या है इसमें असोनेंस ऑल राइट एम enjambment का मतलब होता है जब एक पोएटिक डिवाइस से हम लोग दूसरे पोएटिक डिवाइस में चले जाते हैं बिना किसी पंचुएशन के तो उसे हम enjambment बोलते हैं जैसे कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस कितनी जल्दी हम एक कह सकते हैं एक स्टैंजा से दूसरे स्टैंजा में एक एक लाइन से दूसरे लाइन में चले गए कोई पंचुएशन नहीं लगाया तो उसे enjambment बोलते हैं ये तो मैं भी करता हूं मैं पोएट हो गया क्योंकि मेरे को भी कभी नहीं समझ आया फुल स्टॉप कॉमा और इनका मैं तो नहीं जीवन के अंदर कभी तो फिर मेरे को तो पता ही नहीं था कि भाई पोएट है अच्छा एपिग्राफ इसका मतलब होता है शॉर्ट स्टेटमेंट कहीं पे भी जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिसके अंदर ह्यूमर भी होता है एट द सेम टाइम कोई हिडन मीनिंग हो सकता है या कोई एक एक्सप्रेशन हो सकता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर हमेशा के लिए खुशी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हिररोए कपलेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको पता है इसके अंदर हम लोग क्या कोशिश करते हैं हम कोशिश करते हैं जिसके अंदर आपको आम, एक इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सकें तो यहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक में पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंग कितना ज़्यादा राइमिंग है एक ऐसा कपलेट जो बहुत ही राइमिंग होता है और ये एक्चुअली एंटायर थिंग का कॉन्क्लूजन भी है इंटरनल राइम इंटरनल राइम का मतलब होता है अब यहाँ पे राइम स्कीम तो नहीं uh, मान लो हो रही है तो यहाँ पे जब अंदर ही कुछ 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 वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में राइम कर रहे हैं तो उसको हम इंटरनल राइम कहते हैं जैसे पास इंटू नथिंग नेस विल स्टिल कीप सो इसके अंदर कुछ 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 वर्ड्स होते हैं जो राइम कर रहे हैं इंटरनल राइमिंग हो रही है राइम स्कीम इसके अंदर और भी आगे हम देखेंगे है इमेजरी का मतलब होता है जब हम लोग कोई विजुअलाइज कर लेते हैं किसी चीज को फील कर लेते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे वो देखने को मिलेंगे जैसे कि एक फ्लावरी बैंड जैसे फ्लावरी बैंड बोला माला हमने इमेजिन कर ली ट्रीज बोला ट्रीज इमेजिन कर लिए डेफोडिल्स बोला ग्रीन वर्ल्ड बोला ग्रीन वर्ल्ड इमेजिन कर लिया आ, क्लियर रिल्स बोला तो क्लियर रिल्स के लिए आपने नदियां इमेजिन कर ली इसके बाद में ग्रैंड ऑफ डूम्स में डेथ हम लोग इमेजिन कर लेते हैं पता नहीं कितने लोगों के दिमाग में अलग अलग जो हीरोइक मूवीज होती हैं उनके अंदर हीरो की जब डेथ हो जाती है वो आ जाएगा देन इसके बाद में एंडलेस फाउंटेन बोला तो आपने एंडलेस फाउंटेन जो है वो इमेजिन कर लिया इनवर्जन इनवर्जन का मतलब होता है देखो नॉर्मली जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं हम लगाते हैं वर्ब और फिर एक सेंटेंस बनता है ठीक है पर अब क्या होता है कि जब इस रिलेशनशिप को हम उल्टा कर देते हैं हम पहले वर्ब लगाते हैं और उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं मैम ये तो होता ही है ऑलरेडी होता है हाँ होता है पर ये तब होता है जब हम इंटेरोगेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं और इनके साथ में फिर क्वेश्चन मार्क भी होता है तो बिना क्वेश्चन मार्क के आप वर्ब को पहले रखते हो सब्जेक्ट के तो उसे इनवर्शन कहते हैं उल्टू हो जाना कह देते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर वी रेडिंग वी जो है ये है सब्जेक्ट आर है वर्ब वर्ब पहले लगाया है सब्जेक्ट के और वो भी बिना क्वेश्चन मार्क के तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन मेटेफर का मतलब होता है डायरेक्ट कंपैरिजन जो आपको देखने को मिलेगा बोअर के अंदर यहाँ पे बोअर बोले तो एक छांव की जो कह है सकते हैं जो वो इतना सुकून प्रोवाइड करता है उससे कंपेयर किया गया है ब्यूटी के सुकून से आर वी रेदिंग फ्लावरी बैंड ये फ्लावरी बैंड को एक्चुअली कंपेयर किया गया उन खूबसूरत चीजों से जो कि अर्थ पे मौजूद है ऑक्सीमोरॉन ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कहीं ना कहीं एक टर्म के अंदर दो वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है मतलब जब हम लोगों ने कभी भी दो उल्टे वर्ड्स एक साथ देख लिए माइटी का मतलब होता है अमर और डेड का मतलब होता है जो मर गए हैं दोनों एक ही टर्म के अंदर प्रेजेंट है एक ही टर्म के अंदर ये दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड प्रेजेंट है और इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे ऑग्जी बोलेंगे रेपिटेशन जहां पर रिपीट होता है साउंड का अगर कोई वर्ड जो होता है वो किसी तो कोई वर्ड या कोई फ्रेज रिपीट होता है आ, कह सकते हैं लाइंस के इनिशियल वर्ड्स में रिपीट होता है तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं तो यहाँ पे आपको एनाफोरा देखने को मिलेगा ऑफ में ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज राइम स्कीम जो इसकी है वो आपको देखने को मिलेगी ए ए बी बी सी अब ये सी के बाद में क्या है फुल स्टॉप है तो हम बहुत जगह उसे कंसिडर नहीं भी करते हैं इंटायर पोअम की अगर आप यहां पर कंसिडर करना चाहते हो तो है ए ए बी बी सी सी डी डी ई एंड सो ऑन सो ये ऐसे चलेगा सिंबल एंड सिंबोलिज्म आपको यहाँ पर सिंबल्स देखने को मिलेंगे सिंपल uh, शिप के ये सिंपल शिप जो है ये सच में भेड़ बकरी नहीं है ये सिंपल शिप हम हैं ह्यूमन बींग्स है क्योंकि जीजस क्राइस्ट एक शेफर्ड uh, थे और उन uh, वो शिप को uh, या कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स को शिप मानते थे शिप भोली होती है और उनका ये मानना था कि इंसान भी भोले हैं Transferred epithet, अभी अभी हम देखा था ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको देखने को मिलेगा डेज ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क वेज आप यहाँ पे देखोगे नाइदी अनहेल्दी और ओवर डार्क दीज एपिथेट क्वालिटी पर्सन बट है नाउन आप देखोगे सारी की सारी चीजें जो है ये आदमियों की तरफ डायरेक्टेड है पर्सन की तरफ डायरेक्टेड है पर ये दे किसको दी है डेज को और वेज को ये दोनों ही चीजें हमारे सोल से और हमारे एक्शन से जुड़ी हुई हैं तो ये ग्लूमी डेज और अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज में ग्लूमी और अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन टॉक्स अबाउट अस द एक्शन द डीड्स सोल हमारे बारे में बात करता है बट देन इसे हमने ट्रांसफर कर दिया है डेज और वे एंड इट्स ट्रांसफर्डीट इसके साथ में हो गए आपके दोनों ही पोम के डिस्कशन तो हमने इसको कर दिया है पूरा कंप्लीट और दोनों पोम्स कंप्लीट कर दिया है विद वर्ड एंड द्लेन एंड द पोएटिक डिवाइसिज यू कैन ऑलवेज जॉइन मी ऑन स्पेशल क्लासेज वे यू के लर्न विद मी फॉर फ्री you can always take part in the polls that i conduct there and you can also clear all your doubts some of my classes are there in description box below you can become a part of my community you just need to follow me and you'll get a chance to get all the updates and everything the material the practice material everything on community you can also become a part of emerge program wherein you're going to uh, you can win up to 100% scholarship so you can win up to 100% scholarship then we have the mock test the uh, timetable for science learners and this is for commerce learners accountancy uh, economics business studies and english ajpachwadiya business studies ka tha. Kal english ka hai Tuesday ko, please watch it de then uh, that's it

So, if you don't want to miss any of my classes, kindly subscribe to the channel, hit the bell icon so that you never miss an update, and also like the video, share the video with your friends. Follow me on Anacademy. The link to my profile is given in description box below. Uh, once you follow me, the worksheets and everything, the notes and everything, the handwritten notes, especially that I'm sharing, you will get access to all of those things, and you can download them in one click. So, I'll see you in the next one. I hope you enjoyed the lecture. Bye bye. Take care. See you.